हमने वेस्ट मैनेजमेंट पे बनाया मॉडल जिसमें 3D प्रिंटिंग द्वारा जो वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको मैनेज करते हैं और इसमें गोबर एक वेस्ट है जिससे हम बिल्डिंग बनाकर उस गोबर को मैनेज कर रहे हैं और इस वर्मी का जो कि ये पूरा पूरी तरीके से घर से निकल रहा है प्लेस से बना हुआ है और इससे हम जो जो भी हम खेत में अच्छी सिंचाई के लिए उस तरल से कम उसमें से प्राप्त करें। इसमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है आपका? इसका हमारा इससे हमारा जो प्लास्टिक है वो भी मैनेज हो रहा है, उससे सड़क बन रहा है और सड़क के नीचे भी जो चिंजो लगे हुए हैं उससे यदि इसके ऊपर से कोई वाहन गुजरता है तो उसकी वजह से इसमें काम पड़ता है और फिर से जो है विद्युत जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। स्वागत है राज्योत्सव में। जो स्टॉल आपके यहाँ लगाए गए हैं स्कूल शिक्षा से संबंधित, तो इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे पाएंगे? हमने पूरे विभाग की जानकारी को एक ही मॉडल में एक ही स्टॉल में लगाए हुए सामने देख भी रहे होंगे। पूरे विभाग हमारे एक ही जगह समाहित है और इनको हमने विभिन्न ढंग से जो रचनात्मक स्वरूप में जो दिखाया जाना चाहिए और विभाग की जो कार्य है उसको हमने बताने का प्रयास किया है। ये हम स्मार्ट का एक्चुअल नवाचारी है और लगभग हमारे 4000 स्कूलों में नवाचारी के रूप में स्मार्ट क्लास चल रही है। इसको हम राज्य शासन कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक संचालित करने के लिए सोच रहे हैं। अभी तो कक्षा 1 से कक्षा 5 ही तक संचालित है और ये बाजू देख रहे होंगे वाला आपने समग्र शिक्षा का, ये भी नवाचारी के पार्ट है और सारी संसाधन उसमें उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जस्ट बाजू में देखे वाला पुस्तक की ये QR कोड के माध्यम से हर प्रकार की यानी देश दुनिया की जानकारी बताए जा सकते हैं। सामने हमारी विभिन्न योजनाएं जैसे दिख रही है और एकदम फ्रंट पे देखिए वाला किचन गार्डन का जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन कुपोषित बच्चों को के लिए जहाँ चिंतित है तो स्कूल में जो खाली जमीन जो पड़ी हुई है उस जमीन को उपयोग करके और कुपोषित बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन के में दिया जा सकता है, ये स्वरूप हमें प्रदान करने का प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ देखने वाला एक विज्ञान के प्रदर्शनी और भी चले व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जहाँ पर 17 प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन संचालित हैं, यहाँ पर 2-3 हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किए गए हैं। ये ऐसा मॉडल है जो कि बच्चे बेरोजगार होने के बाद इनका उपयोग निजी जीवन के साथ व्यावसायिक रूप में कर सकता है। जहाँ पर ई साक्षरता है देखिए मुख्यमंत्री साक्षरता कार्यक्रम जहाँ 15 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं कोई भी आ सकता है और कौशल शिक्षक के साथ अध्ययन कर सकता है या भी व्यवसाय के साथ बच्चों व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का एक माध्यम है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के और ये मुख्यमंत्री साक्षरता ये 15 वर्ष से पूरे आयु तक के लिए है तो हमने काफ़ी कुछ फायदा हो रहा है। बिल्कुल 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 मैंने देखा है एजुकेशन में, लेकिन गांव में पहले एजुकेशन का बहुत कम था, बहुत ज़्यादा हुआ है और शहरों में बच्चे अब थोड़ा सा ये करने लगे हैं। गाँव के बाद खाली जब खाना मिलता है तब तक के जा रहे हैं। नहीं नहीं है ये मिथ्या को तो तोड़ना पड़ेगा। पहले हमारे बच्चों की उपस्थिति लगभग 60% के आसपास आती थी, आज बच्चों की उपस्थिति लगभग 80% आ रही है, लगभग 20% हमने उपलब्धि प्राप्त किया है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में देखना अभी जो हमने SLA के एग्ज़ाम जो लिए हैं उसमें लगभग 97% बच्चे की उपस्थिति रही है यानी 100% बच्चों की उपस्थिति रही है। तो स्वाभाविक तौर पर मध्यान्ह भोजन या अनानी योजना जो चल रही है उनसे बच्चों की उपस्थिति या बच्चों को पढ़ने की जो ललक है वो कम हुई है, ऐसा नहीं है। बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में बेहतर बढ़ रही है और साथ ही साथ शिक्षा का स्तर भी शिक्षा क्वालिटी भी निरंतर बढ़ रही है और SLA जो हम बता रहे हैं हमारा SLA पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य है जहां पर इनका प्रयोग किया गया है और व्यक्तिगत मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान रखा गया है और इनसे बच्चों का जो स्तर है उनका मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ इनको इस मूल्यांकन को हर व्यक्ति देख सकता है, पालक मीडिया कोई भी
बच्चे खुद भी दे सकते हैं। हम लोगों का आप लोगों से यही अनुरोध है कि बच्चों की जो किताबें हैं बड़ी बोझिल सी है, एकदम बहुत भारी भारी है, तो हम लोग उस समय पढ़ते थे तो हमारी किताबें बहुत मोटी तो नहीं होती थी, पर काफ़ी कुछ क्या होता था कि एक जो बेसिक शिक्षा होती है वो सारा कुछ रहता था। आपकी क्या हो गया कि इतने सारे लेसन्स डाल दिए गए हैं, उससे आप लोग कहाँ तक सहमत है कि बताइए कितना है? पहले हमने एक सीमित दायरे में रहा करते थे, अब शिक्षा का विस्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और प्रसार ज्ञान के प्रसार सवाल जब बढ़ जाए तो किस चीज़ को छोड़ा जाए, किस चीज़ को रखा जाए। अब रह गई बात है, जब हमने UPSC तैयारी करते हैं, बेसिक जब तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर केवल एक ही पुस्तक पर आधारित रहते हैं, वृहत पुस्तक पर आधारित रहते हैं, तो कोशिश की जा रही है सर्वज्ञान बच्चों को हो, ये कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली। ये स्कूल शिक्षा विभाग में हम लोगों ने थोड़ा सा टीचर्स लोगों से जानकारी चाहिए है कि किस प्रकार से हम शिक्षा को जो देते हैं वो बुनियादी शिक्षा और हमारी शिक्षाओं के बारे में टीचर्स हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं उनसे मुका दी। पहले आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर कामिनी बावनकर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला लोक शिक्षा समिति। जयश्री शाहू, मारा वस्ती। मैं श्रीमती पूजा शर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, माना वस्ती। स्कूलों में जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुविधाएं तो बहुत सारी हमको मिल रही हैं, साथ में जो बच्चे हैं वो आ भी बहुत सारे रहे हैं, तो आपको पहले में और अभी की शिक्षा में क्या अंतर नजर आ रहा है? मैडम, करके सीखने वाला जो है आजकल बच्चों पे, मतलब पहले क्या था कि जो गुरु लोग सिखाते थे और बच्चे सीखते थे, आजकल बच्चे जिस टाइप के हो रहे हैं, जैसे निखार वाला प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो लेवल के अनुसार बच्चे जैसे जैसे जिस लेवल के हैं उनके उस स्तर पे जाकर शिक्षक सिखाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं आजकल, तो बहुत सारे मतलब योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा विभाग से भी, एक निखार भी उसमें ही आ रहा है कि मतलब सबसे पहले हम लोग ऐसी एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसका लेवल है L1 L2 इस टाइप का लेवल है, जिस लेवल के अनुसार बच्चे आते हैं, रिजल्ट आता है उसके अनुसार उनको शिक्षा दी जा रही है। तो आजकल ये हो गया कि बच्चे मतलब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, पहले गुरु जो सिखाता था बच्चे सीखते थे, आजकल बच्चा जो सीखना चाहता है वो शिक्षक सिखा रहे हैं जी, रुचि के अनुसार। वही आप देख रहे होंगे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, मतलब डिजिटल होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कितना चीज़ें, और आजकल पुस्तक वैसी मतलब रुचिपूर्ण, पहले रुचिपूर्ण नहीं थी, आजकल एक से एक चीज़ें मतलब प्रिंटर लगा के बच्चों को इतना सुंदर पुस्तक बनाई जा रही है कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ सुंदर पुस्तक देख के उनकी रुचि आए, उनका ज्ञान। जो शिक्षा का जो स्तर है पहले की अपेक्षा अपना कितना सुधार हुआ है अब के समय में, तक समझिए हम 2002 की बात करें और 2019 की बात करें, तो क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? शिक्षा का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, बच्चे जो है वो काफ़ी, और साथ साथ मतलब टीचर्स के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए और भेजने के लिए, उनके साथ वो भी लगे रहते हैं, टीचर्स भी, समाज भी, पेरेंट्स भी और बच्चा भी, आजकल सब लगे हैं कि अच्छे से अच्छे शिक्षा। मैडम, जो बच्चों ने अभी यहाँ पे मैंने देखा विज्ञान प्रदर्शनी का भी आप लोगों का मॉडल रखा हुआ है, तो इसमें जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की, जो विज्ञान प्रदर्शनी जो अभी बीच में लगाई गई थी वहाँ है या इन्होंने अपने राज्योत्सव के लिए बनाया हुआ है? ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है ये हमारे बच्चे जो स्टेट लेवल तक गए हैं वो जो उसमें जो सेलेक्ट हुए थे उन बच्चों का प्रदर्शनी को लगाया गया है ताकि बाकी बच्चे भी देखें और सीखें। मेरा नाम श्रीमती देवमणि साहू, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलक नगर बुढ़ियारी से, और यहाँ पर अब मैडम जो बच्चों को हम लोग ऐसे सिखाते हैं पढ़ाई में कि वो कुछ करके दिखाएं, पहले हम सिर्फ पुस्तक ही ज्ञान देते थे, अब बच्चों को हम जो सिखाते हैं उसको तुरंत हम चाहते हैं कि वहाँ से हमको कुछ फीडबैक मिले, तो बच्चे अब हमको मॉडल के थ्रू या कुछ समझ के थ्रू या कुछ बना के या अपने दैनिक जीवन में उसको दिखाते हैं करके। लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी कि कोचिंग और शिक्षा इन दोनों में यदि हमको चूज करना है तो हम शिक्षा को ये करेंगे या कोचिंग के थ्रू शिक्षा को ज्यादा मान्यता देंगे? सर, कोचिंग एक वो है मतलब माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है कोचिंग, इसको कोचिंग की तरह ना लिया जाए, यदि कुछ सीखने के उद्देश्य से लिया जाए तो वो बुरा नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं जो हम लोग, क्योंकि हमारे एक समय रहता है 40 मिनट का, हम उस समय में बच्चों को कितना
का भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी ये पहले जो टीचर्स होते थे, एक टीचर कम से कम 3 या 4 बच्चों को पढ़ाते थे, आज वहाँ एक टीचर कम से कम 50 से 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो एक प्रकार से वो क्लासरूम ही हुआ है ना। मैडम बहुत ज़्यादा कोचिंग में कौन तो की जानकारी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया गया है बहुत सी शिक्षाओं का और इसका उसके बारे में आप मैम स्कूलों में भी किया गया है डिजिटलाइजेशन, क्योंकि वर्तमान युग में बहुत नितांत आवश्यकता है, तो वैसे ही हमने ये सेंटर भी ओपन किया है मैम, और मुख्यमंत्री ई साक्षरता केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 36 केंद्र स्थापित हो चुके हैं, और यहाँ पे पूरे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाता है 18 से 60 साल की उम्र वाले लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों को उपलब्धि भी मिली है और रोजगार भी मिला है महिलाओं को लिए स्पेशली, और शानदार 5 बैच पास आउट हो चुके हैं यहाँ पे। क्या बात है, बधाई भी आप आ रहे हैं भाई, आप लोग 5 बैच निकल चुके हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, और ऑनलाइन में ही सब महिलाएं बैठ के एग्जाम देती हैं, और उसका सर्टिफिकेट भी ऐसे निकालते हैं और खुद डाउनलोड करते हैं सब महिलाएं। ये कौन सी वेबसाइट है आपके साथ? ये राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की। नहीं नहीं, इसका URL क्या है वेबसाइट का? वेबसाइट SLMA करके यूनिसेफ के द्वारा होता है। अच्छा, यूनिसेफ के द्वारा है। उससे भी आपको वहाँ से भी थोड़ी सहयोग मिलता होगा यूनिसेफ से। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शिक्षा में आप लोग का क्या नाम है? मैम मेरा नाम संगीता गोसले है। आप क्या करते हैं? मैडम ये एक्चुअल में RMS के अंडर ये व्यवसायिक एक ट्रेड चलता है, वोकेशनल का एक अलग अलग ट्रेड चलता है, इसमें 10 ट्रेड हैं, तो ये क्या है संस्कृत की जगह पे एक एडिशनल कोर्स है, तो पहला जो पुराना जो वोकेशनल कोर्स चलता था वो तो बंद कर दिया, उसकी जगह पे ये नया वाला कोर्स है, इस कोर्स को 4 साल हो गए मैडम चलते, तो इसमें क्या है हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, रिटेल और टेली कम्युनिकेशन है, IT डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें बच्चों को जो इंटरेस्ट है आगे जो वो बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा उस सब्जेक्ट को चूज करता है। वो जो पर्टिकुलर जो बेसिक अपने जो क्लासेस होती थी उस क्लासेस के साथ साथ पैरेलल ये कोर्स चलता है? जी जी, संस्कृत की जगह पे चलता है मैडम, एडिशनल कोर्स, एडिशनल कोर्स है वो, संस्कृत छोड़ के संस्कृत की जगह पे हेल्थ केयर लेगा, अगर उसको मेडिकल लाइन में जाना है तो वो हेल्थ केयर पढ़ेगा, और अगर उसको IT में जाना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो वो IT डिपार्टमेंट। आपका सीमा वर्मा, आप क्या करते हैं? मैं भी वोकेशनल ट्रेनर हूँ हेल्थ केयर की, चौबे कॉलोनी स्कूल से। हेल्थ केयर से? यस। मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट और ये सारा कुछ? हाँ सेम है मैम, इसमें हम लोग 9th से पढ़ाते हैं, तो बेसिक चीज़ें रहती है, फर्स्ट एड है, मेल केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, और 12th के बाद उनका प्लेसमेंट भी कराया जाता है इसके माध्यम से। हाँ, फूड मतलब क्लास वाइज है मैम, 10th में हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में उनको बताते हैं।